इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि 1K का मतलब क्या होता है, 1M का मतलब क्या होता है, 1B का मतलब क्या होता है और 1T का मतलब क्या होता है। देखिए, इस तरह से पहले मैं इसका अर्थ बता देता हूँ कि 1M, M से होता है मिलियन। तो हम यहाँ पर यह सीखने वाले हैं कि 1 मिलियन में आखिर कितना संख्या होता है। बी से होता है बिलियन, तो 1 बिलियन में कितना संख्या होता है। और टी से होता है ट्रिलियन, तो 1 ट्रिलियन में कितना संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है 1K, तो के का मतलब होता है हजार। के का मतलब क्या होता है, तो के का मतलब होता है हजार। तो के का मतलब होता है हजार। अब हजार को कैसे लिखा जाता है, तो हजार को लिखा जाता है 1 और इस पर कितना जीरो, तो 3 गो 0 लिखकर इस तरह से हजार को लिखा जाता है। और इसको शॉर्टकट में लिखना होगा तो हम किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए यदि इसको शॉर्टकट में लिखना होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, देखिए 1 पर कितना 0 है, तो 1 पर 3 गो 0 है ना, तो शॉर्टकट में लिखना होगा तो हम 10 लिख के 10^3 दे देंगे और यह हो जाएगा क्या, तो यह हो जाएगा 1000। तो अब आप लोग अच्छे तरह से जान गए हैं कि के का मतलब क्या होता है, तो के का मतलब होता है हजार। तो इसी तरह से मान लीजिए यदि कहीं पर 10K रहता है तो उसका मतलब होता है 10,000। 100K रहता है तो उसका मतलब होता है 100,000। 500K रहता है तो उसका मतलब होता है 500,000। उसी तरह से यहाँ पर अब है 1M, तो M का मतलब क्या होता है, तो पहले यह जान लीजिए कि M से होता है मिलियन। और 1 मिलियन कितना के बराबर होता है, तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो 1M बराबर कितना होगा, तो 1M बराबर होगा 10 लाख। अब 10 लाख को किस तरह से अंक में लिखा जाएगा, तो देखिए 1 लाख पर कितना जीरो रहता है, तो 1 लाख पर रहता है 1 पर 5 गो 0 रहता है और यहाँ पर है 10 लाख, तो हम 1 पर 6 गो 0 दे देंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको हम पढ़ लेते हैं कि क्या यह 10 लाख है भी या नहीं। तो देखिए इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, पहला हो गया सैकड़ा, हजार, उसके बाद लाख, तो यहाँ पर 10 लाख हैं। तो इसको यदि शॉर्टकट में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 10 और उसके बाद यहाँ पर कितना जीरो है, तो 6 गो 0 हैं, तो इसलिए हम 10^6 लिख देंगे और 10 लाख यह हो गया। तो 10 लाख को शॉर्टकट में किस तरह से लिखा जाता है, तो 10 लाख को शॉर्टकट में लिखा जाता है 10^6। और 1 मिलियन में कितना लाख होता है, तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख। उसी तरह से यदि मान लीजिए 2 मिलियन रहेगा, तो 2 मिलियन में कितना लाख हो गया, तो 2 मिलियन में हो जाएगा 20 लाख। अब देखिए यहाँ पर है 1B, 1B से कहने का मतलब कि यहाँ पर लिखा है 1 बिलियन, तो 1 बिलियन में कितना संख्या होता है, तो 1 बिलियन में होता है 1 अरब संख्या। तो 1 बिलियन में कितना संख्या हो गया, तो यह हो गया 1 अरब, अरब। अब 1 अरब को हम कैसे लिखेंगे, तो किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक सीरीज आ रहा है। देखिए सबसे पहले हमने हजार को लिखा है 10^3, उसके बाद 10 लाख को लिखा है हमने 10^6, पावर 3-3 को बढ़ाते जाइए। तो यहाँ पर लिखना है क्या, यहाँ पर लिखना है हमें 1 अरब, इसमें पावर 3 जुट जाएगा, तो 10^9 हो जाएगा 9। तो 10^9 यदि हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा 1 अरब। तो इसको हम संख्या में यहाँ पर लिख लेते हैं, तो देखिए 1 पर कितना 0 रहेगा, तो 1 पर 9 गो 0 रहेगा, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 6 7 8 9 और यह मिलकर हो गया कितना, तो यह हो गया 1 अरब। इसको इस तरह से देखिए दहलाया जाता है, सबसे पहला कमा 3 अंक के बाद दिया जाता है, उसके बाद 2 अंक के बाद कमा दिया जाता है। तो देखिए यह हो गया सैकड़ा, उसके बाद हजार, लाख, करोड़, अरब। तो 1B यानी कि 1 बिलियन में कितना संख्या होता है, तो 1 बिलियन में 1 अरब संख्या होता है। अब यहाँ पर है 1T यानी कि 1 ट्रिलियन, तो 1 ट्रिलियन कितना के बराबर होता है, तो 1 ट्रिलियन बराबर होता है 10 खरब के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 खरब। अब 10 खरब को अंक में किस तरह से लिखा जाएगा, तो देखिए इसको शॉर्टकट में इस तरह से लिखा जाएगा, 10^3 इसमें 3 गो 0 बढ़ा देंगे तो यह हो जाएगा 12। तो शॉर्टकट में हम लिखेंगे 10^12 और इसको इस तरह से यदि अंक में 1 गो लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे, 1 पर 12 गो 0, तो 1
उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतना जीरो, और यह हो गया कितना, यह हो गया 10 खरब। इसको पढ़ा किस तरह से जाएगा, तो पहला कमा 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंक के बाद कमा देते जाइए। तो देखिए यह हो गया सैकड़ा, यह हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब। तो 1 ट्रिलियन बराबर कितना होता है, तो 1 ट्रिलियन बराबर होता है 10 खरब।